काशिफ सज्जाद और एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक और फेस्टिवल में एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। ये है कि भाई कराची में चल रहा है कराची फीस्ट फेस्टिवल, कराची ईट नहीं, ईट आने वाला है जनवरी में, उसकी वीडियो तो हमेशा अच्छी होती है और वो आपको इस दफ़ा भी ऐसी दिखाएंगे। लेकिन ये भी बड़ा अच्छा है, बड़े खूबसूरत तरीके से क्लिफ्टन के बीच में पार्क में ये महफिल सजाई गई। महफिल क्या, 3 दिन का कॉन्सर्ट है, 3 दिन का फेस्टिवल है जिसमें फूड है, आर्ट एंड क्राफ्ट है और म्यूज़िक का तड़का है। फैमिलीज आ रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। तो मैं एंट्री दे चुका हूँ, मैंने अभी कुछ कल्चरल परफॉर्मेंसेस देखी हैं, वो आपको नज़र भी आ गई होंगी। तो अब सीन ये है कि आगे जाना है और आगे जाके देखना है कि भाई क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है। खैर मैं एक और काम से भी आया हूँ यहाँ पे, हो सकता है कि आपको मेरा पूरा इंट्रो नहीं दिखाओ सही तरीके से, किसकी वजह से मुझे कुछ कट करके फुटेज लगानी पड़ी हो। लेकिन अच्छा सीन ये है कि हम आ गए और अब हम आपको दिखाने वाले भी हैं और लोगों से मिलवाने वाले भी हैं कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है और कब तक चल रहा है। तो चले मेरे साथ। आगे बढ़ा तो मैंने ज्वाइन किया है इकरा को और इकरा भाई ये इवेंट मैनेज कर रही है। इकरा कैसा लग रहा है, म्यूजिक चल रहा है, फूड है, ये कैसे मैनेज किया इतना सब कुछ? बस कर ही रहा है, इवेंट मैनेज ये तो हमारा काम ही है। अच्छा लग रहा है कि वो कराची फीस्ट कराची ईट से पहले आ रहा है, थोड़ा टफ कॉम्पिटिशन था? नहीं, कराची ईट की बात अलग है, कराची फीस्ट की, लेकिन कराची फीस्ट भी अच्छा है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है। मुझे बताएं कि क्या प्लान करते हैं जब एक इवेंट प्लानर कुछ प्लान कर रहा होता है तो क्या सोच के प्लान करता है, वेंडर्स के लिए, फिर आवाम के लिए, ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी करना और मैनेज करना कितना टास्क मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमें पूरे 8 आवर्स 8-12 आवर्स तक हमें स्टैंड रहना पड़ता है, कस्टमर्स को ब्रीफिंग, यहाँ जो आते हैं लोग सबको, फिर बहुत सारा काम होता है हम लोग को। एक लड़की के तौर पर इस तरह के फेस्टिवल्स में आएँ, खाने के बहुत सारे ऑप्शन हों, तो आप क्या चूज़ करेंगी? मुझे बताएं हाथ में कोई गर्मा गर्म चाय हो या कोई गर्म डिश हो, साथ में म्यूजिक चल रहा हो, मजा आ जाए, साथ में म्यूजिक चल रहा हो तो लगता है कि पैसा वसूल हो गया। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी टाइम बाद मैं तो कराची में आई हूँ और अच्छा एक फेस्टिवल था तो हमने कहा चले फ्रेंड्स मिलके सब इंजॉय करते हैं। अच्छा विंटर चल रहे हैं और ऐसे में खाना ज़्यादा खाया जाता है? खाना हाँ, कराची वाले तो वैसे भी खाने को लेकर बड़े शौकीन होते हैं, फूडी होते हैं, बहुत ज़्यादा, इतने सारे ऑप्शन आते हैं तो फिर प्लान होता था कि आज तो सब खा के रहना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, कोई कह रहा है चाट खाएं, हम सोच रहे हैं कि कुछ यूनिक चीज़ें खाएं जो हम नॉर्मली नहीं खाते, तो इसीलिए हमने फर्स्ट ट्राई डंपलिंग से किया है, कुछ चाइनीज़, कुछ थाई, कुछ हमने देखा है तुर्किश फूड भी है तो हम वो भी लाजमी ट्राई करेंगे। तो हम बर्गर तो नहीं खाने वाले बिल्कुल भी नहीं ना, हम बस हम डिफरेंट चीज़ें खाएंगे जो हम नॉर्मल रूटीन से हट के खाते हैं। मतलब आपने कहा डंपलिंग आपने ट्राई की है, अगर मैं उन्हें कहूँ 10 में से कितने नंबर दें? टू डिफरेंट थे, जो मुझे स्मोकी थे वो ज़्यादा पसंद आए, उसको मैं 10 out of 10 दूंगी, बाकी वाले को मैं 10 और 8 दूंगी नंबर। कैसा लगा? कैसा? बहुत अच्छा, अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है और मज़े की बात बच्चों की भी एक्टिविटीज़ हैं तो बच्चे भी ज़रा इंजॉय करेंगे हमारे साथ। झूले भी हैं बच्चों के लिए, आपने कहा ये देखें आपके सामने, मुझे कह रही है कि आई वांट टू स्विंग। हाँ नॉर्मली अगर एक मर्द ही है वो थका आता है, वो अपनी फैमिली को लेके जाता है तो एक सुकून का माहौल है तो एक अच्छी वाइब्स होती है, लेकिन अभी हम आए हैं तो सुकून है, चारों तरफ म्यूज़िक है, खाने को बहुत सारी चीज़ें हैं तो अच्छा लग रहा है। कल्चर को बड़े प्यारे तरीके से प्रमोट किया जा रहा है और वो कैसे किया जा रहा है
कि आप दिख रहे होंगे, आपने बहुत सारे पेंट वाले जूते तो देखे ही हैं, अब ये जूते सिंधी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, झलक रहे हैं हर चीज़ में। उसके अलावा ज्वेलरी है और फिर जैकेट्स में जिस तरीके से काम किया गया, ये सब किया किसने, ये किया है इन दो बहनों ने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अच्छा मुझे बताएं, जैसे शुरू हुआ ये सिंधी कल्चर को प्रमोट करने का सिलसिला, और ये आइडिया किसका था असल में? ये आइडिया हम बहन तीनों, मतलब जो हमारे एक सिस्टर है वो हमारे साथ अभी नहीं है, तो बेसिकली उन्होंने स्टार्ट किया था। तो यही कि हमने थोड़ी ज्वेलरी बनाना, बैंगल्स बनाना, वहाँ से हमने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था फैमिली में सबके लिए, तो चीज़ वो सबको पसंद आई, सबको अच्छा लगा काम, तो ऐसे करते करते हमने ये आज यहाँ तक पहुँच गए। आइडिया क्या था इसके पीछे? आइडिया बस यही था कि कुछ डिफरेंट करना है, कुछ यूनिक करना है, कि क्यों ना हम कोई ऐसी कलेक्शन बनाए कि लोग अट्रैक्ट हों, सिंधी काम को और प्रमोट करें ना। तो हमने सोचा क्यों ना हम डिफरेंट चीज़ बनाए, तो बस इस वजह से हमने कहा शूज़, बैग्स और जैकेट जो कि आजकल फैशन में इन है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। पहले इसके बारे में मुझे बताएं और देन फिर इसके बारे में बताइएगा कि ये इसकी तैयारी किस प्रोसेस से गुजर के हुई। एक्चुअली ये हमारी सूसी होती है, सिंधी में कहते हैं, इससे ना शलवार बनती है या शर्ट भी बनती है। तो हमने कहा कि क्यों ना ब्राइड के लिए, स्पेशली ब्राइड के लिए, जैसे ब्राइड से लिया था बिल्कुल, तो ये फिर है कि फिर लोगों ने ये डिमांड की कि हम ब्राइड के अलावा भी, तो स्टार्ट जैसे हमने ब्राइड से किया था, ब्राइड के लिए बनाया था, उसके बाद हमने लोगों की डिमांड पर ये ज़्यादा काम फिर चलता गया, ऑर्डर मिलते गए और माशाल्लाह से बाहर USA बिल्कुल हमें काफ़ी बल्क में ऑर्डर जाते हैं हमारे। सारे जो भी बैंगल्स हैं ना फंकी कलर्स के, तो ये बस माइंड में आता गया और फिर बनाते गए। ये देखें बिल्कुल थ्रेड का है, सिंपल थ्रेड ले, लेकिन ये वेयर करने के बाद इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। थ्रेड बस अच्छा तो बहुत लगता है, अप्रिशिएट करते हैं ना, सेलिंग से ज़्यादा हमें अप्रिशिएट का होता है कि लोग अप्रिशिएट करते हैं हमारे काम को, बोलते हैं कि माशाल्लाह करते हैं, बिल्कुल करते हैं, काम को समझते हैं बिल्कुल, कुछ लोग नहीं भी करते हाँ, उनके लिए चीज़ें कोई नहीं रखती माने नहीं, तो वैसे भी ये जो चीज़ें ये समझने वाले के लिए होती जी जी बिल्कुल, ये चीज़ वही खरीदते हैं जिसको समझ में आता है कि कितनी अहम है, कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। लास्टली मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कहीं भी डिलीवरी कोई करवाना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे है, कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, कहाँ आपके प्रोडक्ट्स लोग देख सकते हैं? ये हमें ऑल पाकिस्तान वर्ल्ड में कहीं से भी हमें एडवांस पेमेंट पे होती है करते हैं, और जो एसएस कलेक्शन हमारा पेज है और वहाँ पे आप फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, और आपको व्हाट्सएप भी वहाँ पे मिल जाएगा। फेस्टिवल में थोड़ा सा आगे बढ़े और आ गई ये चाय हाथ में। कराची वालों के लिए चाय बड़ी खास है, लेकिन इस चाय की कहानी भी बड़ी खास है। कहानी है कि भाई ये पाक पत्ती के नाम से, पाक पत्ती कैसे, हम घर में चाय पीते हैं तो माँ के हाथ की चाय बड़ी फेवरेट होती है हमारी, जब हम बाहर जाते हैं तो हमें पठान की चाय बड़ी फेवरेट लगती है। उसका वजह क्या है, ये दोनों चाय का टेस्ट क्यों अलग होता है, पत्ती उसे खास बनाती है। और जिस जगह मैं आके रुका मेरे लिए अट्रैक्शन पॉइंट यही था, जैसे आपको पता है मेरी कोशिश होती है कि पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट करें, इसका अट्रैक्शन पॉइंट यही था भाई कि जो पाक पत्ती है, एक तो स्पेशली पाकिस्तान का नाम दर्ज बात है इससे साथ जुड़ के, दूसरा ये कि ये जो पठान की चाय और माँ के हाथ के जायके वाली चाय है दोनों के टेस्ट को कवर कर रही है। उससे ज़्यादा अहम ये है कि महंगाई के इस दौर में 10 रुपये में 3 कप चाय बन सकती है, 2 कप चाय बन सकती है, क्या आप सोच सकते हैं, पठान से भी 60 रुपये की चाय मिलती है। तो ये पूरी कहानी क्या है, चलें उन्हीं से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हारी साहब के? हाँ अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? यार ये पाक पत्ती फ्लेवर और इतनी सस्ती, क्या सीन है भाई? सर ये सीन ये है कि ये हमने नया ब्रांड लॉन्च किया है पाक पत्ती के नाम से, इसमें हमने सारी रेंज कवर कर दी है चाय की, जो घर में बनने वाली चाय, अब पाकिस्तान में भी हर एरिया में अलग अलग चाय लोग पसंद करते हैं, रावलपिंडी राजा बाज़ार वाले लोग जो है दानेदार इस्तेमाल करते हैं, कराची वाले जो है फैमिली मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, रोड साइड ढाबे पे लोग जो है ये पठान वाली चाय इस्तेमाल करते हैं। तो हमने सारी वैरायटी एक ही ब्रांड में डाल दी है। ये जो चाय बना रही है ये डस्ट चाय है, ये मैं आपको दिखाता चलूँ, ये साशे हैं, ये मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास, ये 10 रुपये का एक साशा है, इसका 12 का पैक होता है, ये जो है साशा, इसमें 10 रुपये में आपको 3 कप चाय तैयार हो जाती है। इसके अलावा वो दूसरे डब्बे दिखाना,
के अलावा ये जो डब्बे हैं हमारे 170 ग्राम, ये बाकी कंपनीज़ के अगर आप देखें तो वो 350-330 इस तरह की प्राइस रेंज में, हम सेम ग्रामेज दे रहे हैं और तकरीबन 25% ऑफ में 280 रुपीज़ हमारी प्राइस है। ये जो है 85 ग्राम का डब्बा, ये नॉर्मल कंपनीज़ का 200 का हो गया है, 190 समथिंग का हो गया, हमारा 140 का है। अभी प्राइस में USP है हमारी, और हम चाहते हैं कि भाई हम मिडिल क्लास को फैसिलिटेट करें जितना हम कर सकें। मुझे एक बात बताएं, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, हर कंपनी अपने पैसे बढ़ा रही है हर प्रोडक्ट पे, हमारे यहाँ ये कल्चर पाया जाता है, हमें कोई चीज़ सस्ती में मिल रही हो तो हम सबसे पहले उस पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि सस्ता क्यों बेच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बताएं क्वालिटी का क्या मामला है, आपके हाथ में चाय है, आप रश यहाँ पे देख रहे हैं, आपके सामने है। देखिए मैं तो चाय पी रहा हूँ तो लोग ये भी कह देंगे कि ये तो चाय पी रहे हैं इसलिए ब्रांडिंग कर रहे हैं इनकी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप टेक्निकल तरीके से लोगों को समझा सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए हमने भी हर नए ब्रांड की तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की शुरू में। असल में चाय में ये होता है कि लोगों का एक जायका बना हुआ है, क्योंकि एक नशे की तरह से है ना, जो सालों से पी रहे हैं, फौरन से हम उसको चेंज नहीं कर सकते। पुराने ब्रांड्स का क्या है कि लोग चाय बनाएं, चाय ख़राब बन जाए तो उनको ये होता है कि यार हमारी तरफ से ही कोई गलती हो गई होगी, हमने जो है ना चीनी ज़्यादा डाल दी या पत्ती हमने ज़्यादा डाल दी, कड़वी हो गई, कुछ वॉट एवर, हमारे उसमें जो है हमें लेवरेज नहीं मिलता था, उनको ये लगता था यार पत्ती ख़राब है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि भाई वो कस्टमर्स हमारे बनते गए, अब ये है कि हमारे माशाल्लाह दराज पे भी अच्छी सेल है, ऑफलाइन जो है फिज़िकल स्टोर्स पे भी हम अवेलेबल हैं। डिफेंस के एरिया में अगर बात करें, कराची से हट के बात करें तो इंटीरियर सिंध में बदीन, दादू, रोड़ी, सखर, बलूचिस्तान में तुरबत, तुम मकरान, पेशावर, मर्दान, कोहाट, इन सब एरियाज़ में माशाल्लाह हमारी सेल हो रही है। दराज पे सिंपली वो सर्च करें, ब्लैक टी अगर सर्च करेंगे तो भी बहुत सारी कंपनीज के साथ पाक पत्ती भी आपको नज़र आएगी, पाक पत्ती का नाम लेके सर्च करें तो भी मिल जाएगी। दराज में ये है कि बेसिकली प्रमोशंस की वजह से जो फ्री शिपिंग वगैरह होती है तो कस्टमर को बेनिफिट मिल जाता है, और इसके अलावा हमारे लिए ये बेनिफिट है कि हम पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में जो है हमारी कस्टमर बेस बनती है। इसके अलावा पाकपत्ती.com पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी है, तो हमारे अपने डिलीवरी पार्टनर्स हैं, उनके थ्रू हम डिलीवर करवा सकते हैं 2 दिन के अंदर। और अगर कोई नए दुकानदार अपने पास ये रखना चाहते हैं तो वो कैसे आपसे रابطہ कर सकते हैं? तो हमारी कंपनी वेबसाइट है, उस पर नंबर है, उस पर رابطہ करें, या हमारे उस एरिया में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर होंगे तो हम उनसे कनेक्ट करवा देंगे, या अगर जो है वो चाहते होंगे डायरेक्ट कंपनी से माल ले लें तो हम उनको स्टॉक पहुँचा देंगे। चले, थैंक यू वेरी मच। तो भाई मेरे हाथ में तो है ये चाय, और कमाल की बात यही है कि भाई मैं तो इसको नंबर दूंगा 10 में से 8। क्यों दूंगा? क्योंकि वो जो मुझे कड़क वाली चाय चाहिए इतना काम करने के बाद, इतना थकावट के बाद, क्योंकि आपको तो व्लॉग नज़र आ रहा है, आपको ये थोड़ी पता है कि कितनी इसके पीछे मेहनत है। तो मैं उन्हें कहूंगा कि भाई वो एक दफ़ा अगर यहाँ आए, कल भी एक दिन है, हो सकता है जब तक कि आपके पास ये वीडियो आए तो ये फेस्टिवल ख़त्म हो चुका हो, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने इसको ऑर्डर करके एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। आई होप आपको सस्ती और टिकाऊ चाय पीने को मिल जाएगी। थैंक यू। एंजॉय हो गया अच्छा खासा, और खाया नहीं, चाय पिए सिर्फ, कुछ लोगों से मुलाकात भी हो गई। फूड स्टॉल से वो आपने देख ही लिया होगा कि ऐसा रश नहीं है, जाहिर सी बात है ये कराची फीस्ट है, कराची ईट नहीं। कराची ईट आएगा तो फिर वही मेला सज जाएगा, और कराची ईट में हम भी आएंगे, जल्दी आने वाला भी है, उससे पहले न्यू ईयर है, और उससे पहले बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए आने वाली है। तो खैर सीन ये है कि क्वाइट इंटरेस्टिंग था मेरे लिए तो यहाँ पर आना, सही है, जितनी इसकी हाइप थी उतना रश नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, कराची वालों को घूमने फिरने का एक अच्छा मौका मिल गया और एक अच्छे इवेंट में आने का मौका मिल गया। तो चलें अगली वीडियो तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल, और मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।